हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का फिर से दिसंबर में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं, क्लास सिक्स के एनसीईआरटी आपकी चल रही है और आज हम लोग अध्याय 10 उसमें पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। इनसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका मैं आपको बताऊंगा कि उनको नोट कैसे करना है और जहां जहां से प्रश्न हर बार आए हैं उन टॉपिक को विशेष कर आपको बताता चलूंगा। आपको उन टॉपिक्स पर बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बनाना है, ठीक है। बहुत जल्द नोट्स की मैराथन आप सबके लिए लेकर आने वाला हूं। चलिए, धातु विज्ञान क्या होता है? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म अर्थात धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। यहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से संबंधित थे और उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार सीटेट में क्वेश्चन आया है, नोट क्या क्या करना है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। दूसरा पॉइंट, धातु कर्म शोधन की जानकारी थी। तीसरा, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे। हड़प्पा कांस्य युग से जुड़े थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे और जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो लौह युग से संबंध रखते थे। लौह युग से संबंध रखने के कारण तीन प्रकार का लोहा आपको जानना है, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, नोट कर लीजिएगा। लौह स्तंभ पर चलते हैं, ये कहाँ है जानते हैं। यहाँ से अभी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं से लौह स्तंभ से। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से ज़्यादा है। निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आगे बात करते हैं ईंट और पत्थर की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत आप जान सकते हैं, जैसे जो हड्डी है, हड्डी की राख, या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई कीमती वस्तु, पत्थर या सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। जो धातु, दांत, पत्थर, हड्डी, राख, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा एक मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस पर गुंबद के ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया गया, रास्ता बनाया गया, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका। तो जो ये रेलिंग बनी है इसे वेदिका, इसके अंदर जो घूमने की जगह है, वृत्ताकार पथ है चारों ओर, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो यहाँ देखिए, आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ बनाई हुई दिखेगी, इनको याद रखिएगा, ठीक है। मानचित्र 7 में आपको अमरावती ढूंढना है। कभी यहाँ एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था।
ये जो आपको ऊपर का चित्र दिखा गया, यह है सांची का महान स्तूप। ये कहाँ का स्तूप है? तो ये सांची का महान स्तूप है। बहुत ही सोचिए उस समय का कितना सुंदर और भव्य इमारत रहा होगा। इस तरह के स्तूप का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासक के समय में जोड़े गए। ठीक है, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव ये है आपका। देखिए कुछ मंदिरों का इमेज दिखाया गया है, ठीक है। इन मंदिरों के बारे में आपको भी जानना है। ऊपर बाएं उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। उत्तर प्रदेश भीतर गांव में है। लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थर से बनाया गया। ये दक्षिण में जो है ये महाबलिपुर के एकास्मिक मंदिर का चित्र है, याद रखिएगा। जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, उसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के लिए कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। इसमें एक सभागार होता था, लोग इकट्ठा होते थे, बैठते थे। यहां से भी प्रश्न भर भर के आया है सिटेट में। मानचित्र साथ में महाबलिपुर और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें कुछ यहां दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए जो आपका मंदिर है एकास्मिक मंदिर, इसके बारे में समझिए। इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकास्म कहा गया। इम्पॉर्टेंट है, एकास्म क्यों कहा गया? एक ही पहाड़ी को तराशा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर में बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एकता जोड़ते हुए ऊपर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर पत्थर को काट कर ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। अगर जैसे आप ये पत्थर है इसका मंदिर बना रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, लेकिन आप ईंट का मंदिर बनाएंगे तो ईंट का मंदिर बनाने के लिए आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता रहा होगा। ऐहोल, ऐहोल का मंदिर है, 1400 साल पहले बनाया गया था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर दिए गए स्थानों पर जो शिलाखंड है उसको पहुँचाना था। फिर पत्थरों को काट कर छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों, छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उनको लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था। बाएं उड़ीसा का एक जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस दो मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखना है, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। आइए, कह रहा है इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, अलंकृत प्रवेश द्वार या तोरण द्वार भी इसे कहते हैं, उसको बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल हैं जिनके नाम खंभों, रेलिंगों पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इनको बनवाने में अपना योगदान दिया है। चित्रकला की बात करते हैं। मानचित्र साथ में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ कुछ चित्रों के द्वारा सजाया गया था। यहां इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं।
ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। सोचिए कितनी सुंदर चित्रकला बनाई है, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी आज हमको नहीं है, उनका नाम नहीं मिलता है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिप्लादिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य के राज दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनग्गी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भरा है और उसने पूरे मदुरै शहर का विनाश कर डाला, याद रखिएगा। सिप्लादिकारम से लिया गया एक वर्णन, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई, करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास और जो हैं वो संस्कृत के बारे में लिखते थे। इनके बारे में आपको आगे पढ़ना है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां आपको देखने को मिलता है। इसको आप लोग पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। मेघदूत का एक श्लोक है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे जब उन्हें सुन और समझ सकें, ठीक है, जो जितने भी लोग हैं उनको सब समझें और सुने। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुमने से कुछ भी बच्चे इन कहानियों से जरूर परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों, जो पांडव हैं, उनके बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। पुरु वंश की राजधानी क्या है आपसे पूछता है, हस्तिनापुर है। इस कहानी में बहुत पुरानी है, पर आज हम जिस रूप में देखते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के एक ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में भागवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया, तो कौशल नाम याद रखिएगा, ठीक है। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो कौशल की राजधानी थी अयोध्या, याद रखिएगा, जिसे बाद में लिखित रूप में इसको रामायण में दर्ज किया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं, याद रखिएगा। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोग की कहानियाँ भी कहते थे। कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाटक खेलते थे। इनमें कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएँ अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। एक बंदर की कहानी है, यहाँ आपको दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत खास नहीं है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी पर अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलविद्या थे जिन्होंने कई खोजें की, जिनके बारे में आपको पता लगाना है। बात करते हैं शून्य और आयुर्वेद की। अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। बात करते हैं रोमन के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती
का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक जो प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा दिया। ऐसे याद रखिएगा, सा से सुश्रुत, सा से शल्य चिकित्सा, ठीक है, चा से चरक, चा से चरक संहिता, आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको याद कर लीजिएगा। नोट्स का काम लगभग कंप्लीट हो गया, बहुत जल्द नोट्स आप सबके बीच आने वाली है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।